और सबूत भी मेरे पास है सर, आप बोलो तो इनकाउंटर कर दूं। ठीक है सर। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सर आप जानते नहीं मुझे, बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ सर। अरे सर लड़की है री। लड़की कहाँ है, किधर गई? सर करता हूँ कॉल बैक। अरे मेरे पास ही है, कहाँ गायब हो गई? इधर गई या इधर गई? अरे यार मैंने सर को बोल दिया, लड़की भी और सबूत भी मेरे पास है, अब क्या होगा? ऐसा करता हूँ, क्या करूँ, इधर देखता हूँ। अरे सर रुको, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या कांड हो गया? अरे वो एक लड़की को पकड़ के लेके आया मैं, जानता नहीं पूरे आगरा के नाक में दम कर रखा उसने, अचानक से गायब हो गई। गई हथकड़ी और लगा रखी है मैंने उसको, और उसके पास ना कम से कम 20-25 लाख रुपए और साथ में सबूत भी है। अरे सर वो कांड होते हुए मैंने देखा है, और मुझे ये भी पता है वो लड़की कहाँ है। उसके साथ में ना एक इंसान और मिला हुआ है, आपको पता नहीं है, यहीं से लेके गया उसे। अरे लेके कहाँ गया, एक बार बता दे, गोली मार दूंगा दोनों को। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूँ गोली नहीं बम से उड़ा देना दोनों को, और वो दोनों ना यहीं पर हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे मतलब? तू एक बार बता दे है कहाँ दोनों, फिर देख मैं उनके साथ क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बता देता हूँ फिर मैं आपको, पर मुझे भी कुछ इनाम मिलेगा ना, 20-25 लाख आपको मिल जाएंगे। सरकार की खुद तू मदद कर रहा है, सरकार तुझे 1-2 लाख रुपए इनाम में दिला देगी, और साथ में ट्रॉफी मेडल मेडल। ठीक है सर, ठीक है सर। ये गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है आपको? कौन सी गाड़ी? ये इसी के अंदर घुस गए दोनों के दोनों, वो लड़की इसी के अंदर घुसी है, एक इंसान है उसके अंदर, उसी ने उसे बचाया है। इस ट्रक के अंदर लड़की है? हाँ हाँ सर, बात करने से अच्छा है इस ट्रक को खोलो जल्दी से। कहाँ से खुलता है? अरे यहाँ से खुलता है। ये लड़की बाहर निकल, ओए बुड्ढे तू भी बाहर निकल, गोली मार दूंगा बाहर आओ। सर आपका ब्रीफ केस जेरा। जेरा समोसे के साथ में आलू? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे सालू, जेल में ले जाके मारूंगा, गोली मार दूंगा। बना देना इसे भालू। सर तो शायरी भी करते हैं सर, आप बहुत अच्छे शेर बोल रहे हैं। हाँ शायरी तो तूने सुन ली, अब मेरे हाथों की ना मार देख लेना, मार कितनी अच्छी करता हूँ मैं। ये हाथ देख रहा है ना, ये तुम जैसे को तोड़ तोड़ के लाल हो गए हैं। सर माफ कर दीजिए ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपके साथ जा रही थी, मुझे ना इसने बचाया क्योंकि मैं इस गैंग की मेंबर हूँ, काला चश्मा गैंग की। ड्रामा करना बंद कर, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक पुलिस वाले को पागल बना रही है, और ब्रीफकेस भी चोरी कर लिया, वो भी सबूत वाला। सर सबूत ले लीजिए, उसमें से पैसे निकाल के 2 लाख मुझे दो, जैसे तुमने बोला था वैसे। हाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, थाने में मिलेंगे, और साथ में इनाम भी। पहले इन दोनों के तो इनाम दे दूं। बुढ़े इधर आ, इधर आ। कान की शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब करते हो क्या? करते हो तुम है किडनैपिंग करते हो, पैसा कमाते हो ऐसे करके? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं करते, छोटी मोटी चोरी करते हैं। पहली बार बड़ी चोरी करी थी, हमारे एक खुफिया जासूस ने हमें बताया है कि बताया था कि एक इंसान 20-25 लाख रुपए लेके जा रहा है, तो हमने उसे लूट लिया। सर मुझे लग रहा है ये आँख से ना भेड़ी है, इसीलिए ब्लैक कलर का चश्मा लगाती है। उतरवाना मत, नहीं तो मैं तो डर जाऊंगा। भेड़ी नहीं भेंगी होता है वो, तो बाद में इसको थाने ले जाके इसकी आंखों से आंखें मिला के देखूंगा, तब इसको खौफ होगा मेरी आंखों। आप भी भेड़े हो जाएंगे, रहने दो मत मिलाने इससे आंखें। सर मैं बता रही हूँ आपको, कोई पुलिस कानून की मदद नहीं करता, इसको पैसों का लालच है, पैसों का लालच है। हम बड़े चोर या छोटा चोर? ओ बहंगी चुपचाप खड़ी रहे, ज्यादा होशियार मत बन, जो भी कर रहा हूँ कर तो रहा हूँ, कुछ तेरी तरह दो रही हूँ जो भाग जाऊँ, भागता नहीं है। मैं यहीं पर खड़ा था और मैं सब कुछ होते हुए देख रहा था, और मैंने तुझे पकड़वा दिया, अब भेंगी के पिछवाड़े पे पड़ेंगे डंडे। अब तू भी हिस्सेदार बन गया इन पैसों में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा ना, हमें तो खामखा डंडे पड़ेंगे। खामखा डंडे पड़ेंगे? अरे तुम जो चोरी कर रहे हो वो बिल किसके नाम पे पड़ेगा? तेरे नाम पे या इसके नाम पे? इसके नाम पे, क्योंकि सूटकेस इसके हाथ में सर। अच्छा सूटकेस ही तेरे सिर में पड़ेगा ना, तो तेरी याददाश्त चली जाएगी। सर इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, फालतू में जवाना चला रही है, बहंगी नहीं तो लेके चलो इसे। सर मैं बहंगी नहीं हूं, देख चल यहां से। ओहो दोनों आंखें थाने में मारना, जमीन पर रगड़ रगड़ के चले यहां से।